नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में मंगलवार को आम माफ़ी की घोषणा की और महिलाओं से उसकी सरकार में शामिल होने का आह्वान किया। अफगानिस्तान में तालिबान बेशक खुद को नई सरकार के तौर पर पेश कर रहा हो, लेकिन फेसबुक ने तालिबान को अपने प्लेटफॉर्म से पूरी तरह बैन कर दिया है। फेसबुक का कहना है कि अमेरिकी कानून के तहत तालिबान एक आतंकी संगठन है और इसलिए हमारी सर्विस में वो बैन रहेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे बाद भारी अफरातफरी का माहौल है। वहीं इस बीच भारतीय दूतावास के अधिकारी समेत अन्य नागरिकों को लेकर काबुल से रवाना हुआ वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। इस विमान से करीब 120 लोगों को सुरक्षित वतन लाया गया है। वहीं भारतीय राजदूत ने कहा कि काबुल शहर में अभी भी कई लोग हैं जो तेजी से बदलते हालातों के बीच अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं। जैसे ही कमर्शियल उड़ान सेवा शुरू होगी उन्हें भी तुरंत वापस लाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच AIMIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान पर नीति को लेकर सरकार को घेरा है। ओवैसी ने सरकार से अपील की है कि वो तालिबान से बातचीत के डिप्लोमेटिक रास्तों को खोले। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बैठक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में बंगाल की CM ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। तिरुवनवाड़ी में राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मंडियों को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर न केवल किसानों पर बल्कि देश के मिडिल क्लास और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अजय कोटियाल को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रहकर देश की सेवा की, जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान और आतंकियों का सामना किया। उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है। झारखंड के धनबाद जिले में जज उत्तम आनंद की कथित हत्या के बाद जजों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। मंगलवार को भी जजों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जजों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इसके साथ ही राज्य सरकारों से जजों की सुरक्षा को लेकर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। पेगासस जासूसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि सरकार को उन आरोपों का जवाब देना चाहिए जिनमें कहा गया है कि इसराइल स्पाईवेयर का इस्तेमाल अलग अलग फोन पर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही जाँच के लिए समिति बनाने का फैसला करेगा। ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। चोपड़ा मेडल जीतने के 10 दिन बाद मंगलवार को पानीपत पहुंचे। सामलखा के हल्दाना बॉर्डर से उनका काफिला गांव खंडरा पहुंचा। खंडरा में बीच स्वागत कार्यक्रम से नीरज को मंच के पीछे से ले जाया गया। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने पर परिजन नीरज को अस्पताल लेकर गए हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार दोबारा उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 210 अंकों की तेजी के साथ 55,792 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 52 अंकों की तेजी के साथ 16,615 के स्तर पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स निफ्टी के बंद होने का रिकॉर्ड स्तर है। खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।